हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ शर्मा। मेरा नाम राजन। सो आज घर में रवीना है नहीं, तो थोड़ा मुझे है ना अकेलापन सा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा किससे बात करूं, बड़ा बात करने का मन कर रहा था और पुरानी पुरानी जो यादें मतलब कि दिमाग में आ रही थी, मैंने कहा किससे बात करूं। तो मैंने सोचा आज आपके सामने मैं शेयर करता हूं कि मेरा यूके का पहला दिन कैसा था, मुझे कैसा लगा जब मैं यूके आया था, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हुए। सो ये बात है 2012 की सितंबर की, मुझे आज भी याद है। हम जिस दिन निकले थे, मेरे को सभी छोड़ने जा रहे थे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 सितंबर की बात है, मुझे आज भी याद है। जब 10 बजे के आसपास हम लोग निकल रहे थे रात के 10 बजे, और 16 सितंबर मेरा बर्थडे होता है, मुझे आज भी याद है। मैंने केक काटा था और मैं सबको बोल रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी केक होगा आप लोगों के साथ, मैं पता नहीं अब कब सेलिब्रेट करूं। मुझे आज भी एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद थी। उस टाइम मेरी दादी भी जिंदा थी, मम्मी भी जिंदा थी, है ना, उस टाइम तो ये बातें बोली थी, मुझे आज भी याद है। और सब टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह सब मुझे है ना, सभी लोग दीदी जीजा भाई बहन सभी मेरे को चढ़ाने गए थे एयरपोर्ट पे। तो मैं निकला और 17 सितंबर 2012 को मैं यूके में लैंड हुआ, मुझे आज भी याद है। तकरीबन 5 बज रहे थे शाम के, है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा पुरानी बातें करके, है ना। तो तकरीबन 5 बज रहे थे और जब मैं जा रहा था तो है ना, मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा यूके जाके पढ़ने का बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, जो काफी मतलब कि कहते हैं ना, प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद पूरा हो रहा था। और मैं बहुत खुश था, एयरपोर्ट में गाड़ी में जा रहा था तो भी खुश था। और मेरा एक भाई था, है ना, वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड से आ चुका था, तो वो बाहर रह चुका था, उसको तजुर्बा था कि बाहर क्या होता है, तो वो उसको सारा कुछ पता था कि मुझे कैसा फील होगा, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल फैमिली से अटैच्ड हूं। तो बड़ा मतलब कि खुश था। और जब मैं अंदर जा रहा था, धीरे धीरे जब एयरपोर्ट के अंदर बढ़ा, तो जब चेक इन करते हैं, जो बैगेज चेक इन करते हैं, उस टाइम मैं चेक इन करने जा रहा था, तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लग गए। मेरे को है ना, मतलब मुझे आज भी याद है, जब मम्मी ने फोन किया तो मैं ऐसे फोन पे बात कर रहा था, तो मम्मी पूछती क्या हुआ, तो मैं ऐसे कर रहा हाँ, और मैं ना रोने लग गया, मतलब कि रोना आ रहा था और मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। और उधर पीछे मेरा भाई था, उसको बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको पता है कि दूर जाते हैं तो रोना आता है, पहले मैं खुश था और अंदर जाते ही मेरे इमोशन सारे बाहर निकल गए, ठीक है। तो उसके बाद सारा कुछ जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, चेक इन वगैरह सब कुछ करके, एयरपोर्ट जब सारा कुछ होता है ना, एयरपोर्ट पे सारा कुछ करके उसके बाद मैं फ्लाइट पे बैठा। तो फ्लाइट में लाइफ में कभी आज तक कभी फ्लाइट में बैठा नहीं, पहली बार फ्लाइट में बैठा, तो मैं खुश हो गया, ऐसे ऐसे देख रहा, हर एक चीज देख रहा, मेरे को अजीब सा लग रहा, मैंने कहा बड़ा मजा आया, ठीक है। उसके बाद जब फ्लाइट चलने लगी, तो जब मुझे एहसास हुआ कि अब तो भाई यूके पहुंचने वाले हैं, है ना, तो उसके बाद मेरे को है ना दिमाग में एक टेंशन थी, मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि वो स्ट्रेस क्या था। मैं पूरे मतलब खाना आया, खाना भी ठीक से नहीं खाया, सारा कुछ मैंने कोई इंजॉय भी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज की टेंशन थी जो आगे मैं बताऊंगा। और जब मैं 17 सितंबर 2012 को मैं लैंड हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद हुआ क्या कि मेरा इस कंट्री में कोई भी नहीं, जैसे होता है ना कि लोग दोस्त होते हैं, चाचा ताया मामा मौसा मौसी कुछ होते हैं, मेरा कोई भी नहीं था, एक भी दोस्त नहीं था, है ना, जो मुझे लेने आता या मुझे कुछ बताता कि यहाँ की चीजें क्या होती हैं, है ना। तो मैं आया और जब मैं बाहर निकला तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं ट्रेन से जाऊं, कैसे जाऊं, कुछ नहीं। और आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सब कुछ आपको बता देते, और 2012 का टाइम गाइस, 12-13 साल पहले, उससे हम यूट्यूब चैनल ही नहीं हुआ करते थे जो यूके के बारे में कुछ बताते। आज तो आप फिर भी यूनिवर्सिटी देख लेते हो, सब कुछ देख लेते हो, कैसा उस टाइम यूनिवर्सिटी पता नहीं लगती थी कैसी दिखने में लगती है, है ना, तो कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं बाहर निकला, उसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर आया, और उस टाइम मैं नया नया था, तो आया, आई थिंक यू आर राइट माइट, तो ऐसे बोल रहा ना, तो मेरे को तो पहले तो शुरू शुरू में मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मेरे को है ना बर्मिंगम एयरपोर्ट पे आया था, तो मेरे को वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था, तो वहां पर जा रहा था मैं, तो मैंने कहा मेरे को वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी में जाना है। पहले मैंने काफी लोगों से पूछा, तो उन्होंने है ना मेरे को ये भी बोल सकते थे कि भाई ट्रेन जिससे जा सकते हो, खर्चा कमाएगा, कुछ बता सकते थे, है ना। लेकिन मेरे को एक बंदे ने दिखा दिया टैक्सी, और टैक्सी भी क्या दिखाई, उसने दिखाई ब्लैक कैब। ब्लैक कैब गाइस, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, यूके के अंदर एक होती है नॉर्मल टैक्सी, जो मतलब कि किसी भी गाड़ी को कन्वर्ट करा के टैक्सी बनाई होती है, वो चीप होती है, और एक होती है ब्लैक कैब, जो ब्लैक कलर की होती है और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर कभी आपने आना हो तो कभी ब्लैक कैब ना पकड़े, है ना,
नॉर्मल पहले से ही कोचेस वगैरह होती है वो अरेंज कर लिया ना, तो मैं चला गया। उसके बाद वो बातचीत करता रहा और मेरे को ले जा रहा तो हाईवे से ले जा रहा था, तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कहा भाई जंगल ही जंगल दिख रहा है, तो मेरे को ना बड़ी घबराहट होगी, मेरे को लगा कहीं ये 19 साल का था, बच्चा ही था, तो मेरे को लगा ये कहीं मेरे को किडनैप तो नहीं कर लेगा। तो उसके बाद मैं अपने फोन पे है ना जो यहाँ का पुलिस का नंबर होता है ना वो मैंने ऐसे नोट कर रखा था कि अगर कुछ भी होगा तो फोन कर दूंगा। उसके बाद अच्छा बंदा था, बातचीत करते करते पहुंचा। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी और वुल्वरहैम्पटन मेरे को छोड़ा, आज जिन लोगों को पता यूनिवर्सिटी वुल्वरहैम्पटन में एक MI बिल्डिंग है उसके सामने छोड़ा मेरे को है ना, तो मैंने बोला कितने पैसे हुए, तो कहता £65। £65 आज से 12-13 साल पहले 2012 में £65 बहुत हुआ करते थे, आज भी बहुत होते हैं £65। तो मेरा तो दिमाग चक्कर खा गया, £500 ही लेके UK के अंदर आया था। मैंने कहा £65 यहाँ चले जाएंगे, आगे क्या करूंगा। उसके बाद मैंने कहा कोई स्टूडेंट का डिस्काउंट है, मैंने उसको बोला है डिस्काउंट मांगने की तो इंडियंस की आदत ही होती है, तो मैंने कहा कोई डिस्काउंट है, तो उसने कहा ऐसा कुछ हमारा स्टूडेंट का डिस्काउंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को £5 दे दूंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, दिया भी तो £5। उसके बाद मैंने ले लिया, उसके बाद खड़ा था। उसके बाद मेरा एक्चुअली जो स्ट्रेस था फ्लाइट में, आपको बताता क्या था मेरा है ना, उस टाइम मेरे को उतना अकल भी नहीं था, तो मेरा अकोमोडेशन जो रहने का था ना वो उन्होंने कंफर्मेशन लेटर दे दिया था कि अकोमोडेशन हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं हुआ था, पैसे देने के बाद कंफर्म होता। तो मैंने सोचा कि भाई पैसे मांगूंगा और कहीं पापा मना वना ना कर दे, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, वो चाहते नहीं थे मतलब कि मैं बाहर जाऊं, पर इसलिए नहीं कि वो अगेंस्ट थे मेरे, बस उनका मन था कि मैं इंडिया में रह के पढ़ाई करूं, जो भी करना छोटा मोटा मैं इंडिया में करूं। तो उनको मैंने बताया नहीं और झूठ वो बोल पूछ रहे थे कि भाई तेरा अकोमोडेशन का हो गया, तो मैंने बोला हाँ, पोते कहाँ रहेगा पता, मैंने कहा सारा कुछ पता है, लेकिन झूठ बोला तो मैंने कहा सच बोल दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी UK आने में। तो मैं आ गया और मेरे को पता ही नहीं कि क्या चक्कर है। उसके बाद मैंने अकोमोडेशन में गया तो उन्होंने बोला हो जाएगा अकोमोडेशन, लेकिन 4 महीने के पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। तो मैंने मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि 4 महीने का, उस दिन तो पैसे थे भी नहीं, तो मैं टेंशन में आ गया। फिर मैंने कहा रहने देता हूँ, लिए ही नहीं। उसके बाद मैं वापस आ गया और मैं जब आया तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं कभी इधर उधर उधर, और दिमाग मेरा उस टाइम ये भी काम नहीं किया कि भाई किसी होटल में जाके रुक सकते हैं, मतलब होटल में जाके रुक जाएंगे और एक दिन का टाइम मिलेगा उसके अंदर आराम से सोचेंगे खा पिए, मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। फिर क्या हुआ मतलब कि अंधेरा होने जा रहा था, अंधेरा होता जा रहा था, तो मेरे को जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था मेरा टेंशन और बढ़ जा रही थी कि भाई अभी दिन में तो चलो ठीक है, अंधेरे में क्या होगा। उसके बाद आजदा जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी वुल्वरहैम्पटन के पास आजदा है ना, वहां से मतलब कि 2 लेडीज आ रही थी, इंडियन लेडीज थी, तो मेरे को पहले उस टाइम समझ में नहीं आया, तो मैंने इंडियन होता ना इंडियन को देखता है तो बातचीत हो जाती, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि यहाँ पर अकोमोडेशन का रहने का कुछ बंदोबस्त वगैरह कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने देखा नया ही लग रहा था है ना, मैं बिल्कुल ही कपड़े भी बिल्कुल इंडिया प्रॉपर इंडिया वाले पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पहले पूरा जानकारी ली कहाँ से आए हो क्या करने आए हो है ना, मैंने बातचीत बता दिया और मैंने शक्ल से जैसा कि वो बोलते हैं मेरे को मैं बड़ा मासूम लग रहा था, ठीक है। तो उन्होंने पहले पूछताछ कर ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम आपको 2 दिन रहने के लिए आपको जगह दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपना देखना पड़ेगा। तो मैं फिर खुश हो गया कि चलो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, और गाइस किसी भी लेडीज के लिए किसी अनजान आदमी स्पेशली मेन को रखना अपने घर के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। और अभी मैं उनके कांटेक्ट में हूं नहीं, मेरा फोन बदला, उसके बाद फोन मिसप्लेस हो गया, नंबर मिसप्लेस हो गया, तो कांटेक्ट में हूं नहीं, शायद कभी ये वीडियो देखेंगे तो उन तक पहुंच जाए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं उनको जो उन्होंने मेरे को हेल्प की। उसके बाद उन्होंने कहा चलो हमारे साथ था, मैं कहा चलो, मैंने कहा पास में ही घर होगा। उसके बाद हुआ क्या कि मेरे पास एक 40 किलो का बैग था, सूटकेस था, उसके बाद 10 किलो का मतलब कि एक शोल्डर पे टांगने वाला बैग था और एक लैपटॉप बैग था। मैंने कहा पास में घर होगा चला जाऊंगा, और वो चलाते 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 मेरी तो हालत खराब हो गई। उन लोगों को यहाँ पर UK में रहते तो चलने की आदत थी, चलने की आदत तो मुझे भी थी, लेकिन सामान लेके चलने की आदत किसको होती है ना। तो फिर चलते 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 तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद उनका घर आया और मैं पहुंचा। और उस दिन है ना, उस दिन मुझे एहसास हुआ, जैसे लोग बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग की कमर में दर्द हो रहा, घुटने में दर्द हो रहा, शोल्डर में दर्द हो रहा, उस टाइम तो मैं 19 साल का था है ना, तो जवान था,
लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि दर्द क्या होता है, मेरे को बड़ा दर्द हुआ और घर की इतनी याद आ रही ना कि मैं बता नहीं सकता। और उन्होंने मतलब कि घर पे लेके गए, उसके बाद ना एक सेवन अप की बोतल जो होती है, मुझे आज भी याद है सेवन अप का जो जो तो कैन वाली जो होती है वो दी और मैं उसको पी गया। और उन्होंने बोला कि अभी कुछ खा लो, थोड़ा बहुत स्नैक दिया मेरे को, उन्होंने बोला रात का खाना बन रहा है उसके बाद खा के आराम से सो जाना। और उसके बाद मैंने फोन किया इंडिया और सबको बताया कि हाँ भाई ठीक ठाक पहुंच गया। ये पूरी कहानी नहीं बताई कि क्या क्या हुआ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा उनको टाइम देते हैं, पूरी कहानी बाद में बताएंगे। उसके बाद मैं फोन वन करके उसके बाद लेटा और इतना बॉडी में पेन हो रहा ना मेरे कि मेरी हालत खराब। उसके बाद मैं सीधा सो गया, उसके बाद सो गया। उसके बाद वो शायद मेरे को जगाने आए होंगे, सुबह बताया मेरे को तो उन्होंने फिर उठाया नहीं रात को खाने के लिए क्योंकि मैं सो गया। उसके बाद सीधा मेरी आंख खुली अगले दिन और यूके की मैंने पहली सुबह जो देखी 18 सितंबर को, मैंने पहली 17 को आ गया था, 18 सितंबर 2012 को मैंने पहली सुबह देखी। और जब खिड़की खोला मेरे को सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत साफ सुथरा बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक टेंशन और भी थी कि उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था और पहले यूनिवर्सिटी में जाके मुझे अपने आप को एनरोलमेंट करना था, यूनिवर्सिटी में सारा कुछ आई कार्ड बनवाना था। तो मैंने सोचा क्या करूं, पहले ये काम करूं वो, तो बिल्कुल बीच के अंदर मैं फंसा पड़ा था। सुबह उन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड और बेक्ड बीन्स होते हैं, बेक्ड बीन्स जो यूके में लोग रहते हैं उन्हें पता है वो नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बीन्स होते हैं टोमेटो सॉस के अंदर होते हैं, उन्होंने दिया। और मतलब कि सेका हुआ ब्रेड था, जो टोस्ट बनाया हुआ ब्रेड था। और मैं मुझे आज भी याद है कारपेट पे बैठ के खा रहा था और खाते खाते है ना मेरे आंखों से है ना बहुत आंसू गिरने लग गए और मैं ना बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल मतलब रोने लग गया। और मुझे मतलब इतना रोना आया, इतना पहले उस टाइम तो मैं समझ में नहीं आया कि मैं रो क्यों रहा हूं, है ना। उसके बाद आज तकरीबन 12 सालों के बाद मुझे एहसास होता है मैं क्यों रो रहा था। मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि कभी अकेले बैठ के तनाई में खाने की मुझे आदत नहीं थी। परिवार से मैं बहुत जुड़ा हुआ था, हमेशा परिवार के साथ बैठ के खाना, परिवार से अलग होके जब खा रहा था तो मुझे बहुत रोना आया। उसके बाद मैंने कहा भाई रोना धोना तो चलो खुद ही रो लिए, खुद ही पोछ लिए, है ना, अब बाद में करना क्या देखते हैं। फिर उसके बाद मैं गया यूनिवर्सिटी में, गया एनरोलमेंट करके आया, उसके बाद आई कार्ड वगैरह बनवा के आया। मुझे आज भी याद है पीली हुडी पहन के गया था, बिल्कुल मतलब अभी फोटो देखता हूं ना तो बिल्कुल फुद्दू लग रहा था मैं। तो उसके बाद मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी का तो हो गया सॉर्ट आउट, अब 2 दिन का कमरा मिला है, 2 दिन के अंदर करते हैं बाकी सॉर्ट आउट। उसके बाद मैं गली गली में जा जाके जो विंडो के ऊपर जो पोस्टर वगैरह एडवर्टाइजमेंट लगी होती है स्टूडेंट चाहिए या अकोमोडेशन के लिए चाहिए, तो उनको पता करके मैं मतलब कि बहुत घूमा मतलब तकरीबन बहुत गली घूमा होगा, तकरीबन 15-20 गली ढूंढने के बाद एक जगह पता लगाया, वो भी इंडियन थे। उसके बाद मैं सारा सामान लेके उधर शिफ्ट हो गया। लेकिन बाद में ये बताऊं कि उन लोगों ने जहां पर मैं गया उन लोगों ने मेरे को बहुत एक्सप्लॉइट किया, जितने पैसे उनके नहीं बनते थे उतने ज्यादा मेरे से पैसे ले लिए, खाने के नाम पे कहते थे कि बाहर से खाना नहीं ले जा सकते, यहीं से खाना पड़ेगा, कुछ भी बना के दे देते तो उसके ही पैसे ले लेते थे, तो बहुत एक्सप्लॉइट किया। लेकिन इट डजंट मैटर, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, कि ऐसे ही लाइफ चलती है, आप एक्सप्लॉइट होते हैं, आप फेलियर देखते हैं, है ना, अच्छे बुरे दिन देखते हैं, उसके बाद ही आप सीखते हैं। सो ये तो था। और मैंने जब वो जो 2 दीदी थी उनसे बाद में पूछा कि दीदी आपको डर नहीं लगा कि मैं अकेला आया हूं इंडिया से, ना जान ना पहचान, आपने घर में रख लिया, कुछ चोरी भी कर सकता था घर के अंदर, मैंने पूछा। तो वो पंजाबी थी, तो वो पंजाबी, उनका एक्सेंट थोड़ा प्यारा, बहुत प्यारा एक्सेंट, तो मैं उनको दीदी बोलता था। मैं राखी भी जितने साल तक टच में रहा, राखी भी बंधवाई इनसे मैंने, है ना, लेकिन अब टच में नहीं है, लेकिन शायद कभी भगवान की कृपा से अगर मिल गए इस वीडियो से या कैसे भी तो फिर टच में रहूंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं डर नहीं लगा, मैंने कहा क्यों, कहते वो कि तूने ना टीका कर रखा था। मुझे पता ही नहीं, मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था तो मुझे मम्मी ने टीका किया था, जैसे लाल चंदन होता है ना उसके अंदर चावल का। तो हुआ क्या कि फ्लाइट में मैंने मतलब कि इतना इमोशनल हो गया, नोटिस भी नहीं किया टीका लगा हुआ और सारे मेरे को देख रहे, तो वो टीका किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि तेरे सर पे ना टीका था और हमें लगा कि टीके से तू संस्कारी घर का बच्चा है, इसलिए मतलब कि तू ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेगा, इसलिए हमने तेरे को रख लिया। तो मुझे पता भी था, आज तो मेरी मम्मी है नहीं इस दुनिया में, लेकिन
मुझे आज पता चला कि मम्मी का जो लगाया हुआ टीका था उसी से मुझे हेल्प मिली। ये छोटी सी वीडियो, मेरा पहला दिन था, बहुत मुश्किल था, है ना। लेकिन गाइज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूके के अंदर आप पढ़ने आ रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आ रहे हैं, आप पूरी अपनी रिसर्च करें, पूरा एक प्लान लेके आए। क्योंकि अगर आप बिना रिसर्च और प्लान के आते हैं तो यहाँ पर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ। और मैं ना थोड़ी सी यहाँ पर पुरानी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी में मैं कैसा, जब आया था तो कैसा लगता था, थोड़ी मेमोरी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि पिक्चर में कैसा लगता था। सो दैट्स इट। और मैं शायद एक वीडियो और लेके आऊंगा कि मेरे पिछले 12 साल यूके के अंदर कैसे कटे, कैसे मैंने पढ़ाई पूरी की, कैसे जॉब मिली मेरे को, फिर कैसे मेरी शादी, पूरा मेरा स्ट्रगल फ्रॉम डे वन से लेकर आज तक, मेरा स्ट्रगल, मेरी खुशी, सारा कुछ एक वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।